दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राखी ने जस्ट कुछ ही दिनों पहले, जब से वो बिग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर आई है, तब से उन्होंने वो हॉस्पिटल में ही है और हॉस्पिटल से उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की थी अपनी मम्मी की, क्योंकि उनकी मम्मी जो है वो कैंसर से जूझ रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी जो मॉम है उनकी कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर की और उन्होंने ये भी लिखा था कि प्लीज़ प्रे फॉर माय मदर, शी इज़ अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट। इसके बाद बहुत सी अफवाह उठ रही थी कि क्या सलमान भाई आकर के उनको हेल्प करेंगे उनकी मॉम को ठीक करने में। तो मैं आपको ये बता दूं, जी हाँ, सलमान खान और सोहेल खान दोनों ने भी मदद कर दी है राखी सावंत की एंड दे हैव कम टू हर रेस्क्यू। उसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि राखी सावंत की जो मॉम है उनका एक वीडियो शेयर किया है राखी ने, और जिसमें उनकी मॉम ये कह रही है कि जी हाँ, मेरी 4 कीमोथेरेपीज हो गई है, 2 बाकी है, उसके बाद मेरा ऑपरेशन होगा। और वो खूब सारा धन्यवाद जो है वो सलमान खान सोहेल खान को देती है और कहती है कि आपके साथ परमेश्वर है और आपको बहुत सारी मनोकामनाएं, आपकी सारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो इस प्रकार से राखी सावंत की जो मॉम है उन्होंने भाईजान सलमान खान को दुआएं तो दी है, पर उसी के साथ साथ वो खूब रोनी भी है और राखी सावंत भी दिख रही है वीडियो में, जो बेहद थैंक यू देते हुए नज़र आ रही है। आपको क्या कहना है भाईजान के इस दिलदारी के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। थैंक यू थैंक यू बेटा, सोहित जी थैंक यू। ये जो अभी मेरा कीमो चल रहा है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, आज का 4 हो गया, अभी 2 बाकी है, उसके बाद ऑपरेशन होगा। थैंक यू सलमान जी, थैंक यू सलमान जी, आप लोग को परमेश्वर खूब आगे बढ़ाए, आप लोग सही सलामत रहो और आपके साथ परमेश्वर है, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। थैंक यू सलमान जी, हालेलुया। थैंक यू सलमान जी, हालेलुया, हालेलुया। सलमान खान ने शुरू कर दी है शूटिंग पठान इस फिल्म के लिए। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो भाईजान सलमान खान हैं वो एक कैमियो रोल प्ले करने वाले हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान में। इसी के साथ साथ ये बता दूं कि पठान ये जो फिल्म है बहुत ग्रैंड स्केल पर बनने जा रही है और पठान का जो एक मूवी सीन है, यानी जो फाइट सीन है मूवी में, वो जल्द ही शूट होने वाला है बुर्ज खलीफा के अंदर। और पठान पहली फिल्म होगी, पहली इंडियन फिल्म होगी जो शूट होने जा रही है इनसाइड बुर्ज खलीफा। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं दोस्तों मैं आपको कि हमारे भाईजान सलमान खान जो है, जो कैमियो रोल प्ले करने वाले हैं, उनकी जो एक झलक है वो देखी गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि पठान की शूट शुरू कर दी है भाईजान सलमान खान ने और वो शूट 1 गो में रैप अप करने के बाद वो टाइगर 3 की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि अब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था, पर जैसे ही बिग बॉस के सेट्स पर हमारे जो भाईजान सलमान खान है उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया, जी हाँ, मैं पठान में एक कैमियो रोल प्ले कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ उसके बाद मैं शूटिंग में व्यस्त हो जाऊँगा टाइगर 3 के, और उसके बाद कभी ईद कभी दिवाली के। तो इस प्रकार से भाईजान सलमान खान जो है वो बड़े ही व्यस्त रहने वाले हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए? बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। दोस्तों, राखी सावंत ने एक बड़ी ही खूबसूरत सी तस्वीर शेयर की है भाईजान सलमान खान के साथ और उसके नीचे जो कैप्शन लिखा है वो किसी के भी दिल को छू जाएगा। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि भाईजान सलमान खान के साथ सभी ने तस्वीरें खिंचाई है बिग बॉस सीजन 14 एंड होने के बाद, और एक तस्वीर ऐसी है जिसमें हमारी राखी सावंत दिख रही है सलमान खान के साथ। उन्होंने उस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि ये मेरे भगवान से दिए हुए भाई है, माई गॉड ब्रदर, किंग ऑफ द किंग,
भाईजान सलमान खान। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि गॉड उनको सारी की सारी खुशियाँ दे और उनकी सारी मुराद भी पूरी हो। तो इस प्रकार से कैप्शन जो है वो बड़ा ही सुंदर प्यारा सा कैप्शन लिखा है राखी सावंत ने। हम सभी ने देखा कि राखी दिल की कितनी साफ है, ये हमने बिग बॉस सीजन 14 के अंदर तो अंदाजा लगा ही लिया है। पर उसी के साथ साथ भाईजान और राखी का जो ट्यूनिंग है वो भी कुछ अलग ही लेवल का है और वाकई एक बहन भाई का ट्यूनिंग है। आपको क्या कहना है सलमान खान और राखी सावंत के इस बॉन्ड के बारे में और इस तस्वीर के बारे में, जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। कटरीना कैफ और सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग जो है वो लार्ज स्केल पर होने वाली है। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो भाईजान सलमान खान है और कटरीना कैफ जो है वो तीसरी बार एक साथ दिखने वाले हैं टाइगर फ्रेंचाइजी में। टाइगर 3 के बारे में बता दूं तो दोस्तों इस बार टाइगर 3 जो है वो और बड़े स्केल पर शूट होने वाली है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि अब कोरोना वायरस आ गया और पैंडमिक चल रहा था, तो बहुत सी जो रेखी है वो बाकी है फिल्म की, और इसलिए फिल्म की जो पहली शेड्यूल है वो शूट होने वाली है YRF स्टूडियोज मुंबई में ही, क्योंकि बहुत से एग्जॉटिक लोकेशंस अब भी फाइनल करना बाकी है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म जो है ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है। उसी के साथ साथ बहुत ही अहम जगहों पर इस फिल्म की शूटिंग अब भी होने जाने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि फिल्म जो है वो जोया और टाइगर इन दोनों की स्टोरी अब आगे कैसे जाने वाली है उस पर आधारित है। पर उसी के साथ साथ इस बार जो लोकेशंस हैं वो बहुत ही अलग किस्म के लोकेशंस होने वाले हैं। पहले फिल्म टर्की, इंडिया, यूएई में शूट हुई थी, पर अब ऐसे लग रहा है जैसे और भी ज़्यादा एग्जॉटिक लोकेशंस की रेखी बाकी है। तो इसलिए फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो किक स्टार्ट होने वाला है मार्च 2021 में। बाकी जो शेड्यूल्स हैं वो उसके बाद रेकी होने के बाद ही हो सकते हैं। तो शायद से टाइगर 3 के लिए हमें और भी थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको क्या कहना है भाईजान सलमान खान और कटरीना के पेयरिंग के बारे में और टाइगर 3 इस फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों सलमान खान के साथ दिशा परमार जो है उनकी एक तस्वीर है जो हो रही है बड़ी ही वायरल। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राहुल वैद्य जो है उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर दिशा परमार को प्रपोज किया था उनके बर्थडे पर, यानी 11 नवंबर को। उसके बाद से दिशा परमार जो है वो सुर्खियां तो बटोर ही रही है, पर अब खास करके वो सुर्खियां इसलिए बटोर रही है क्योंकि उनकी जो एक फोटो है सलमान भाईजान के साथ वो हो रही है बड़ी ही वायरल। सलमान खान एकदम कैजुअल लुक में दिख रहे हैं ग्रे कलर की टी शर्ट में, तो वहीं पर हमारी जो दिशा परमार है वो एक ग्लिटरी ब्लैक कलर के ड्रेस में दिख रही है। तो अब ये फोटो कहाँ की है, कहाँ से खींची हुई है ये तो पता नहीं, पर शायद से बिग बॉस सीजन 14 पर अगर आपने देखा होगा तो जैसे ही सीजन ख़त्म हुआ तो राहुल वैद्य बाहर आते ही दिशा परमार से मिले थे, तो शायद ये तब की ही फोटो है। अगर आपने नहीं देखी है तस्वीर तो फटाफट जाइए तस्वीर देखिए और बताइए कि ये दोनों कितने ही प्यारे लग रहे हैं। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।